लखनऊ पुलिस के लिए बहुत गौरवमयी क्षण रहा कि आज एक ऑपरेशनल अभियान में अभी अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, गंगा खेड़ा का जो यह जंगल है, यहाँ पर रेलवे लाइन के किनारे पुलिस की अभी मुठभेड़ हुई कुछ देर पहले बदमाशों के साथ, और पुलिस ने इसमें से दो बदमाशों के साथ आमने सामने की मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी, जिनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस बदमाश से पूछताछ के बाद जब पुलिस ने कॉम्बिंग की तो दो और बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। इस प्रकार कुल चार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में जब बदमाश से भी पूछताछ शुरुआती दौर में की गई तो ये लोग बावड़िया गिरोह के सदस्य थे और ये डकैत हैं, और इनका नाम राजेश उर्फ पेठला, ये रहने वाले झुंझुनू राजस्थान के हैं। दूसरा रमेश उर्फ राजू, ये रहने वाला अलवर का है। तीसरा मनोज उर्फ छोटू, जिसे कि गोली लगी है, ये रहने वाला भी अलवर का है। और चौथा महेंद्री उर्फ महेश, ये रहने वाला राजस्थान के बीकानेर का है। इसमें से मनोज और महेंद्री को पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगी है, और राजेश और रमेश को जो बॉम्बिंग की गई उसमें ये लोग पकड़े गए हैं। इनसे अभी पूछताछ शुरू हुई है, अभी तत्काल की घटना है। इसने अन्य तीन साथी के नाम बताए जिसकी कि कॉम्बिंग हम लोगों के द्वारा की जा रही है। अभी तक जो इसके पास से बरामद हथियार हैं वो 12 बोर का एक बंदूक, 12 बोर का दो तमंचा और एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ, और जिंदा 7 कारतूस और 5 खोखा इनके पास से 12 बोर के बरामद हुए। पुलिस के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और विस्तृत चूंकि अभी तुरंत इसको पकड़ा गया है, अभी तक की पूछताछ में इसने जो हमारे यहाँ की जो इसके पास से मोबाइल भी पुलिस को बरामद हुए हैं, और हमारे यहाँ की जो डकैती हुई थी उसमें मोबाइल अभी जो बातचीत हुई, बातचीत पर उसने इस बात को कबूला है। अभी विस्तृत इनसे पूछताछ की जाएगी, और अभी तक की पूछताछ में जो हमारे यहाँ जो 4 दिन की 3 डकैतियाँ हुई थी, 3 दिन अलग अलग दिनों में जो अन्य घरों में करीब 6 घरों में डकैतियाँ पड़ी थी, बाराबंकी की, इसके अतिरिक्त फर्रुखाबाद की, इन जगहों की डकैतियों में इन्होंने होना स्वीकार किया है। अभी शुरुआती दौर में पूछताछ है, दोपहर 12:30 बजे पूछताछ के बाद विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे द्वारा की जाएगी 12:30 बजे, और तब अब इसका जो राजस्थान में, चूँकि अभी प्रातःकाल का समय है, शुरुआती दौर है, 3:30 बज रहे हैं, राजस्थान की पुलिस से हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे कि राजस्थान से या पंजाब में अन्य जगह से क्या इसके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास रहे हैं, और उसके बाद हम विस्तार से आपको बताएंगे। इन लोगों की PCR के लिए, पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए, चूंकि यह एक गिरोहबंद लोग थे जो कि डकैती का काम करते थे जिससे समाज में भय व्याप्त होता था, तो इनका हम लोग सस्टेंड कस्टोडियल इंट्रोगेशन की भी डिमांड ऑनरेबल मजिस्ट्रेट से करेंगे।